वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पेड़े। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो हमें मिठाइयों की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना घर पे ही मिठाई बनाई जाए। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए ला रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाले पेड़े। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कप दूध लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। घी और ये जो हमारा दूध है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे गिलाना है। इस पे सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेंगे। आपको यहाँ गैस की फ्लेम लो रखनी होगी और इसे लगातार हिलाते रहना होगा। ये आप देख रहे हो, ये हमारा दूध और जो घी है वो अच्छे से अब मिक्स हो गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना होगा। ये प्रोसेस करने से हमारी जो मिठाई है वो चुई नहीं बनेगी। यहाँ भी हमें गैस की फ्लेम लो रखनी होगी, नहीं तो ये जो हमारा मिल्क पाउडर है वो जल सकता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यह अब अच्छे से भुन गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हमारा दूध का जो मिश्रण है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखें कि गैस की फ्लेम बंद हो और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें ऐसे दबा दबा कर इसे मिक्स करना है ताकि अंदर जो भी गुठलियाँ हो वो टूट जाए। ये स्टेप अगर हम गैस ऑन करके करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएगी और मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो ये सब अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें केसर वाला दूध ऐड कर देंगे और 1/4 कप हम यहाँ पे शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ केसर वाला दूध ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं और ना हो तो ऐसे ही आप इसे बना सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया है। शुगर डालने के बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। ये बन जाए तब तक आपको इसे अच्छे से हिलाते रहना है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक ये थिक ना हो और पैन ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये पूरी मिठाई बनने में इसे 6 से 7 मिनट तक लग जाती है। आपको इसे लगातार हिलाते रहना है और हमारे पैन के जो साइड पे जो भी मिल्क लगता है इसे हमें निकालते रहना है, नहीं तो ये जो मिल्क होगा वो आगे जाके जलने लगेगा और हमारी मिठाई में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद यह जो हमारा मिक्सचर है वो ऐसा दिख रहा है। इसमें अभी भी थोड़ा मॉइस्चर बाकी है तो हम क्या करेंगे कि अभी 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। अगर ये मिठाई में थोड़ा सा भी मॉइस्चर बाकी होगा तो आपका जो शेप है वो नहीं आएगा। ये जो हमारा मिक्सचर है वो अब पैन छोड़ने लगा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो अब रेडी हो गया है। हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे तभी हम पेड़े बना पाएंगे। ये मिठाई बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। हम इसे थोड़ा फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हो केसर की वजह से इसमें बहुत ही प्यारा येलो कलर आ गया है।
ये मिक्सचर अब ठंडा हो गया है, इसे हम पेड़े बनाएंगे। पहले हम हथेली में ही राउंड करेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे और बीच में थोड़ा होल कर देंगे और बीच में थोड़े ड्राई फ्रूट कट करके लगा देंगे। आप चाहो तो उस पर केसर भी रख सकते हो। ऐसे ही हम सारे पेड़े अब बना लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये रेसिपी आप ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर से करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।